वेलकम गाइस इन अ न्यू वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे लॉकी वेब सीरीज का एपिसोड 3। तो वीडियो चालू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है लेडी लॉकी से, जो टीवीए वाली को लेडी को कंट्रोल किया था एपिसोड 2 में, और उसके दिमाग में जाके वो टीवीए ऑफिस में कितने गार्ड से उसका पता लगाती है, पर वो टीवी वाली नहीं बताती है। फिर हमें लेडी लॉकी और 2012 वाला लोग टेलीपोर्टिंग करके भागे थे वो सीन दिखाया जाता है, और लेडी लॉकी टीवी ऑफिस में जाती है और लेडी लॉकी पर हमला हो जाता है और गार्ड उसे मारने वाले होते हैं। लॉकी 2012 वाला बचा लेता है। वो फिर टेलीपोर्टिंग करके 2077 में चले जाते हैं और उनका टैम्पेड बर्बाद हो जाता है, बैटरी लो हो जाती है तो अब यूज़ नहीं कर सकते और वो वाले प्लैनेट ख़त्म होने वाला है। मून के पार्टिकल्स उसके ऊपर गिर रहे धीरे धीरे और उनको बचने के लिए टैम्पेड को चार्ज करना पड़ेगा, और फिर वो चार्ज करने दूसरी जगह जाते हैं जहाँ से लोग स्पेसशिप में बैठ कर दूसरी जगह जाएंगे बचने के लिए, और वो ट्रेन में जाते हैं लेडी लॉकी और लॉकी फेस चेंज करके। पर वो दोनों फिर लेडी लॉकी और 2000 वाला लॉकी प्यार की बातें करने लग जाते हैं, प्यार क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। फिर लेडी लॉकी और लॉकी कुछ कांड करके इन दोनों को ट्रेन में से निकाल दिया जाता है और टेम्पेड पूरा बर्बाद हो जाता है। फिर वो डिसाइड करते हैं हम चल के स्पेसशिप में जाएंगे, वहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे और हम बच भी जाएंगे। फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं और लेडी लॉकी रास्ते में बताती है कि टीवीए वाले असली नहीं है, टीवीए वाले खुद से नहीं बने, वो अर्थ से वेरिएंट लेके आते हैं और उन्हें इधर काम में रखते हैं। और फिर लेडी लॉकी और लॉकी 2012 वाला पहुंच जाते हैं जहाँ से स्पेसशिप उड़ने वाला होता है, और पहले ही स्पेसशिप की पूरी कैपेसिटी पूरी हो गई है तो पीछे से जाने की कोशिश करते हैं, पर गार्ड उनसे लड़ते हैं और वो स्पेसशिप में जाने वाले होते हैं पर मून के पार्टिकल स्पेसशिप में आके गिर जाते हैं और स्पेसशिप बर्बाद हो जाती है और एपिसोड खत्म। और लेडी लॉकी 2012 वाले लॉकी उधर ही फंस जाते हैं। अब ये दोनों कैसे बचेंगे हमें एपिसोड 4 में पता चलेगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो टू ऑल।